हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तवाल आप सबका मेरे चैनल गल्फी टीवी में लेकर हाजिर हूँ कुवैत में उन तमाम हजरात के लिए ये अपडेट जो कि कुवैत से अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। बुरी खबर है, सुनिएगा पूरा ताकि आप लोगों को मौजूदा हालात के बारे में पता चल सके कि ऐसे मुल्क के कॉन्सुलेट इंफॉर्मेशन सोर्सेज ने कुवैत से अपने शहरियों को वापस लेने या बुलाने से इनकार कर दिया है और रिक्वेस्ट की है कि वो कोरोना क्राइसिस के ख़त्म होने तक कुवैत में ही रहें। उन सोर्सेज ने बताया कि कुछ ऐसे मुल्क के अम्बेसडर्स ने ख़ास तौर पर कुवैत में उन कंट्री के अम्बेसडर्स ने जिनके शहरी और जिनके प्रवासी कुवैत में ज़्यादा है, उनको अपने मुल्कों की मौजूदा शहरियों कि बड़ी तादाद हासिल करने यानी बड़ी संख्या हासिल करने से मना किया है। ठीक है, क्योंकि इससे उनके मुल्क के हेल्थ के निज़ाम पर यानी मैनेजमेंट पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। ठीक है, सोर्सेज ने बताया कि अम्बेसडर्स ने इस वबा से निपटने के लिए कुवैत की सेहत के गैर मामूली यानी के बहुत अच्छे कदम उठाने की तारीफ़ की और इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके शहरियों को जो है वापस भेजने के लिए इस वबाई मर्ज इस ये जो वायरस का मर्ज़ है इसकी इससे बचाने के लिए लॉजिस्टिक कोशिशों यानी जो एयरलाइन के इंतज़ाम होगा के अलावा बड़ी मेडिकल और अलग चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो अभी नहीं ले सकते। ठीक है, आपको बात समझ में नहीं आएगी, बात इतनी है बस कि अभी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ कुवैत में मौजूद हैं, उनके अम्बेसडर्स और वहाँ के कॉन्सुलेट ने उन्हें इवैक्यूएट करने यानी कि कुवैत से अपने मुल्क में वापस लेने पर मना किया है, इनकार कर रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो उनके मुल्कों में बहुत बड़ी तादाद में जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो ऐसा कर सकें। तो ये एक अपडेट था जो मुझे लगा आप तमाम हजरात के साथ शेयर कर दूँ, शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप तमाम हजरात जो हैं कुवैत की पल-पल की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल गल्फी टीवी को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।